नमस्कार, चलोगे आगे? नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, चलो 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 आ गया। नमस्कार सबको, कमेंट दिखा दे यार मानवी जी के। हिंदी की पूरी आंसर की डाल दी गई है, आप देख लेना, वो कोई बात नहीं। चार पांच क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, वो चेक कर लेना, एक दो हो सकता है कंफ्यूज हो, बाकी लगभग की सेट कर ली है। ठीक है, जीके जो है वो बहुत इजी आया है, हिंदी थोड़ी सी टफ थी, सब जानते हो इसको, हिंदी थोड़ी टफ थी। हिंदी में अगर काट छांट या आपके 70 से 75 बच रहे तो आप बहुत अच्छी पोजिशन के अंदर हो हिंदी में। जीके कोई ज्यादा टफ नहीं है, जीके में जो टफ है वो टफ है, जो इजी है वो इजी है। तो चलो हम शुरू करते हैं जीके के, शेयर कर दिया थोड़ा सो, चल सीधे सीधे बता रहे हैं, ज्यादा व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे, इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं है इसमें। तो मैं जल्दी 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 हम उत्तर बता रहे हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्यादा आई है इसलिए चलो शुरू करते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिकल। चलो देखिए, देखते जाए सीधा सीधा, ये कल्चर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कर दिया होगा। जल्दी से बताओ, मुंह के बजाय जाने वाला फू फा फू करके, एक मैं उत्तर गलत लगा रहा कि आधार पर कौन है टावरो, तो मुंह मतलब फूंक मारी जाए कौन सो मसक कली मस सॉरी रबाज, हाँ रबाज रबाज, इन मसी लगा रहा क्यों भी उत्तर बनता है। ठीक है, स्वतंत्र आंदोलन के द्वारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे इजी नहीं है तो टफ क्वेश्चनों में है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और ये अगर आप नहीं भी करके आए या फिर आपका गलत भी हो गया तो इतनी कोई टेंशन लेने। हिंदी वाला जो है ना, वो हिंदी की पूरी पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम पे, उसमें क्या बीच में आवाज गायब हो गई थी, इसलिए उसको एडिट करने में लगे, तीन चार क्वेश्चन थोड़े से गलत बता दिए थे, तीन क्वेश्चन, इसलिए उसको एडिट कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट कर दिया था, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तीन क्वेश्चन जो है वो बाकी वो पीडीएफ में सही कर दिया गया, आप पीडीएफ देख लो हिंदी वाला। ठीक है, तो इसका अंदर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर है वी एल मेहता, तो हो सकता है ये, कोई ज्यादा चिंता मत करना, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये थोड़ा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के अंदर था ये। भारतीय राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति का मिलान कीजिए, गुरुजी जल्दी से बताओ कारगेट कहाँ है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कार्बेट है। तो आपको पता है जिम कार्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो यानी फर्स्ट में क्या आएगा, बी आएगा, तो फर्स्ट में आपका बी, सीधी सी बात है, आंसर नंबर टू। ये तो एकदम इजी था, बहुत इजी है, ये किसी को टफ नहीं था। भारतीय कौन सा झूठ, झूठ सबको पता है, पश्चिम बंगाल है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। महात्मा गांधी नीले से किससे संबंधित, ये ज्यादा वैसे तो टफ नहीं है, ये इंडियन ओपिनियन 1904 के अंदर है, और कितना दुर्भाग्य है कि इतिहास के मात्र तीन क्वेश्चन आए जिसमें से एक क्वेश्चन किसी के बाप को नहीं आता, गूगल मतलब सबका बाप गूगल, उसको भी नहीं आ रहा है वो, अगर वो क्वेश्चन किसी ने करवाया वो अकबर और ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो क्वेश्चन जिस किसी अध्यापक ने वो क्वेश्चन करवाया वो आदरणीय अध्यापक है, प्रणाम करने योग्य है, और कमेंट करिए जरूर बताना, मुझे लगता है किसी ने नहीं करवाया वो, हाँ उत्तर बता सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने करवाया, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं पूछे उसने, पता नहीं क्या दुश्मनी है इतिहास से। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन 1904, अगर कोई कंफ्यूज होगा तो कोई बात नहीं। भारत में कौन सा शहर सूती कपड़ों के, पता है सूती कपड़ों मुंबई है, सब एकदम इजी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, मुंबई आंसर हो जाएगा। ये रेलवे जोन अगर आपको नहीं भी आता, ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन सबसे इजी, अगर आपको एक भी आता है तो भी आपका उत्तर सही हो रहा है इसमें सारे के सारे, तो इसमें इतना तो पता ही है सबको। उत्तरी पश्चिम में आपको पता है, उत्तरी पश्चिम कहाँ पर है, हमारे जयपुर में है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या है कि एक भी चीज आपको आती है ना तो सारा प्रश्न सही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर उत्तरी पश्चिम यानी तीन में हमारा डी आएगा, तो थ्री यानी डी, ये बात, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर इसका। अरे हिंदी की डाल दी पूरी की पूरी टेलीग्राम में जाके देख, वहां से की से मिलान कर लेते रहे, उसमें एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी पूरी की सही है, एक या दो क्वेश्चन का तो हम कह नहीं सकते, बाकी लगभग की सही है। ठीक है, चलो राजस्थान निम्न औद्योगिकरण कौन सा, भारत सरकार का, सब तो है गंगानगर सुगर मिल राजस्थान की है तो सबको पता है, सबको आता है, मुझे पता है ये गलत नहीं होगा। निम्न से कौन सी राजस्थान, डूंगरपुर, ये भी किसी का गलत नहीं होगा, यानी जीके तो एकदम इजी पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन, मतलब लगभग बच्चे 70-75 आराम से करके आएंगे, तो ये इजी हो जाएगा इसमें। सोम कौन सा, डूंगरपुर सोमंबा कमला है, फेमस है, कई बार आया ये क्वेश्चन। भारतीय कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक है, भैया जिप्सम में हम ही है, ये भी इजी क्वेश्चन आया ज्योग्राफी का। पर्वतों की स्थिति और देशों का मिलान कीजिए, ये ठीक क्वेश्चन है गुरु, इसमें अच्छा क्वेश्चन, हम बात करते हैं यहाँ से, आपको पता है कि जैसे यहाँ से पीनाइन है, तो पीनाइन हमारे इंग्लैंड में, ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा, अप्लेशन है, और आपको पता है अप्लेशन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जबकि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इसका मतलब दक्षिणी आल्प्स जो है ये न्यूजीलैंड में है, और पीनाइन जो है इंग्लैंड में,
यानी एक और दो इसका सही होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर। देखो इसमें आप जो कह रहे हो कितने कितने वाले कितने अच्छी पोजीशन, वो लास्ट में बात कर लेंगे ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के करना पड़ता है। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? ये तो एकदम इजी है, माउंट एल्ब्रुस है, एकदम इजी है, कर दोगे आप। स्वेज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर, एकदम इजी है, सबको पता है ये। ऐसे क्वेश्चन तो किसी के गलत नहीं होगी जो थानदार की तैयारी कर रहे हैं। खनिज संसाधन उनके उत्पादक स्थल, ये वैसे तो टफ नहीं है, कोई एक आए तो भी उत्तर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो टंगस्टन, आपको पता है टंगस्टन हमारे कहां पर होता है, डेगाना, नागौर में, यानी टंगस्टन का डेगाना, यानी फर्स्ट में भी, तो फर्स्ट में भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल थे, लेकिन जो टफ आए वो एकदम ही टफ आए, वो किसी को नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हैं जीके के अंदर, विश्व की शहर में पृथ्वी समेल 2000, ये करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है करंट के गुरुजी ने करवा दिया होगा आपको करंट वाला, ये मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। हाँ है पुराना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी का गलत हो सकता है। कौन सा शहर हो जाएगा? जोहान्सबर्ग, ठीक है, ओके। 15 का 3 नंबर, ये तो सिंपल, क्या है तो हर बार पूछते हैं, मतलब ये तो ऐसे एकदम इजी होगा, भाई बहन की तरह लगने लगा है। चलो एकदम इजी है, बोराट का पठार, गोंगुंदा, कुंभलगढ़, राजस्थान कौन सा क्षेत्राल शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे ये कोई टफ नहीं है, आराम से कर दोगे, सीकर दोगे ठीक है। इस लड़के ने तो बहुत सही कर रखी है अभी। भारत की विधानसभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, बताओ गुरु जी। इसका जो आंसर होगा 29 अगस्त 1947, यानी आंसर नंबर 2 नंबर, दो नंबर लगाना है, हिंदी में बेहतर सही है, 80 में से 80 किए उसमें बेहतर सही है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी, क्योंकि हिंदी का पेपर इजी नहीं था, टफ पेपर था, यानी हमने किया फिर भी हमारे भी 3-4 गलत हो गई, दो टीचर मिलके किया तो भी गलत हो गए थे, तो कोई भाई इसमें क्या शर्म हो गए, 100 में से 3-4 तो हो ही जाते हैं गलत, कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। चलो बताएंगे हिंदी का कितने तक आप सही पोजीशन में हो। एक ये कह रहे हैं सुभाजी भाई साहब 14 नंबर में बी राइट है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, 14 नंबर दो बार, चलो एक मिनट देख लेते हैं, बी राइट, चलो देख लेते हैं, टंगस्टन डेगाना ए का बी, यार ए का बी किसी में है ही नहीं बेटा, यार कन्फ्यूज तू है, चल दूसरा मिला लेते हैं, मैगी खावा, चलो मैगनी छोड़, तांबा, तांबा खेतरी सिंगाना, तीसरे का डी किसी में नहीं है बेटा, गलत तू करी आयो, गलत लगा ली, मनीषा सोनी, ठीक है। कितना बता दिया, 19 बता दिया। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों के मूल अधिकारों परिवर्तन का अधिकार देता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये उच्च न्यायालय का पूछ रहा है, यानी ये आपका पूछ रहा है, हाईकोर्ट का पूछ रहा है, आपको पता है कि हाईकोर्ट जो है वो आपके 226वें, इसने तो बहुत सही कर रखी है प्रश्न, ये जिसने भी उत्तर भेजा है उसने तो बहुत सही कर रखी है भाई। ये नगोया औद्योगिक क्षेत्र, ध्यान रखना औद्योगिक क्षेत्रों का क्वेश्चन आता है, 4-5 नाम ही रटने हैं उसमें, इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, जैसे कि ये आपका नागोया है ना, ये जापान में होनशु द्वीप पर है, कौन से द्वीप पर, होनशु, और आप सबको पता है हिंदी की पीडीएफ डाल रखी है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका मतलब जो नागोया है ये आपका कहां पर है, जापान। प्रदीप सिंह का मेरा तो कुल 20 ही सही है, मतलब दोनों मिला के 20 है, एक में 20 है यार, इतना भी अरे हिंदी की पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम के ऊपर, पीडीएफ है वो, वीडियो भी दोबारा डाल देंगे, 3-4 क्वेश्चन जो है वो बताते इसमें गलत हो गए थे, तो वो 3-4 क्वेश्चन करके सही और डाल देंगे, बाकी आप टेलीग्राम भी देख लो, क्यों टाइम खराब करो वीडियो देख के, तो वो डाल देंगे, पेपर आउट हो गए हैं, न्यूज में आ गई है, कोई बात नहीं आ गई है तो। किस विधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या, लोकसभा कुल सदस्य संख्या पता है, ये तो मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करके आएगा, तो ये 2003 है, ये ध्यान रखना, 91वां संविधान संशोधन, इस बच्चे ने तो बहुत सही कर रखे। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्न से कौन सी विशेषता नहीं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो केंद्र में द्वंद्व शासन है, एक अखिल भारतीय संघ सेवा है, प्रांतों में स्वायत्त है, तो आपको पता है 1919 वाला जो एक्ट है उसमें आपके प्रांतों में द्वंद्व शासन है, इसका मतलब 1935 पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 है, तो थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, गुणोत्तर सही हो रहे हैं। अब मिलान कर दो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, ठीक क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसने ये भी सही कर रखा है, बिल्कुल इसका ये भी सही है, वाह कमाल करते हो यार पांडे जी, 171 सूची दी गई है, कूट के उत्तर का चयन कीजिए, अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये वैसे एक आती आ जाता है, मैं कई बार बोलता हूँ सम्मान मतलब चार मेरे तो एक याद है, तो भी हो जाएगा पंचायती राज, ये तो इजी है, कितने नंबर हो जाएगा इसमें, ग्राम पंचायत 24
ये इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल में ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। तो उत्तर बचेगा एक उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार, पहले तो ये इसने गलत कर दिया भाई, इसने गलत कर दिया भाई, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। पहले पंजाब था ना पहले, हाँ। हम पढ़ते थे तो पंजाब था, करण में मणिपुर है इसका उत्तर, पंजाब एक उत्तर होगा भाई, इसका ध्यान रखना। सही करो सर, 15 में सही करो, 15 के पास वही है, 15 के अरे आप कंफ्यूजन हो रहे हो, सही है 15 वाला, 15 वाला सही है, तुम गलत हो। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत है, ये भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका मानव अधिकार संरक्षण बिल्कुल एकदम इजी है, कर देंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित से कौन पद ग्रहण करने से पूरे राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है, तो कुण पद की शपथ है, राजस्थान मानवाधिकार, राजस्थान लोकायुक्त, सारा ही हो गया, 27 ए बी सी डी सगड़ा ही ले लेगा अभी सामने आगे, ठीक है ठीक है। भारतीय संसद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कितना इजी क्वेश्चन है एकदम एकदम, यानी जीके का पेपर थानदार के लाइक नहीं था, हिंदी वाला लाइक था, ठीक है। इसका ए उत्तर हो गया। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में कौन अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड को क्वेश्चन है, बताओ थोड़ा सा इसका आंसर, बताओ फिर आप इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कि जब भी विधानसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, एंड इसका राइट आंसर 1 नंबर। अशोक लीला के 23 में ए बताओ है, 23 में के विरोध है, आप करिए आप वही मानना है तो दूसरे ही कैडो मानना है तो हाथ को नहीं। अरे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, तो 171 है ना, ठीक है, विधान परिषद तो वो कंफ्यूज है, 171 सही है ना, मणिपुर बताई दियो भाई, एक दो क्वेश्चन तो हो सकते हैं हमारे भी, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे पीछे बताया जाए, बाकी लगभग की सही मानना, एक दो क्वेश्चन तो कह नहीं सकते, ये बता दिया ना, हो गया, ये भी बता दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के न्यायाधीश का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है, देखो ये प्रश्न बहुत क्या कठिन से पूछ लिया है, क्योंकि इसमें क्या जैसे आप सारे हाईकोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस है उनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो लेवल अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर जो आप कर सकते हो आपका क्या होगा, प्रकाश कांत। चिंता मत करना, ये क्वेश्चन नहीं आता किसी को, नहीं आता है किसी को, नहीं आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन। हाँ चलो, कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव है, बोलो, एक प्रश्न भी चिंता मत करना यार, सारे सचिवों को कौन कौन नाम याद रखता है, सारे अध्यक्षों के नाम कौन एक पहला लास्ट रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं आता तो चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, एन के बेरवा, ठीक है, ए उत्तर हो जाएगा, हाँ नंद किशोर बेरवा। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बोलो, कि तो खतरनाक क्वेश्चन पूछे, बोलो जल्दी से, बोलो ये अपने जस्टिस जगत सिंह, यही तो है जस्टिस जगत सिंह, ये तीन क्वेश्चन किसी को नहीं आते तो चिंता ना करो, जल्दी करवाओ थोड़ा, बस मैं जल्दी भी लाग रहा हूँ नाम, आराम करे जाए, रोटी खाओ, ऐश करो, जल्दी जल्दी लाग रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी है सर, आप दोनों ने नहीं दिया क्या पेपर, पेपर दे प्रोग्राम है। चलो, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान राजस्थान में, बताओ गुरुजी, इसका जो आंसर होगा आपके जैसे टीकाराम पालीवाल, मोहला सुकारिया, शिवचरण माथुर और हरिदेव जैसे, बिल्कुल इस लड़के को कमाल है, बहुत अच्छा करेगा, इंटेलिजेंट है भाई ये लड़का, इसका सिलेक्शन होगा ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला, लेकिन फिर भी इसका सही उत्तर जो है ना, व्यक्तियों में आय का जो अंतर है वो राष्ट्रीय आय भी, ये आपकी है, ये हमारे ऊपर है ये, तो इस आधार पे इसका सही उत्तर व्यक्तियों में आय में अंतर, वैसे दोहरी गणना भी कुछ मानते हैं, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स के लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं व्यक्तियों में आय का अंतर, ये ज्यादा सही है इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है, शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण जो है वो मार्जिन आवश्यकता है, यानी इस 35 नंबर का उत्तर जो हम मानेंगे वो 4 नंबर है, मानव विकास, ये जो लिस्ट है ये इसने सही किया, 0.045 है, तो इसमें 42 ऑप्शन है, तो इसके आधार पर ये 2 नंबर उत्तर होगा, बिल्कुल इसके सही के अलग। नहीं ऐसे कौन सा गरीबी का कारण नहीं है, तो सामाजिक समावेश गरीबी का कारण नहीं है, ये भी सही करके आओगे आप, ये सीमावर्ती पूछ रहा है तो सीमावर्ती देख लो इसमें, ये तो सीधा ही दे दिया इसने, सीमावर्ती यही तो है। चलो, निम्न से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है, तो भाई सादी सी बात है, घाटाओ बजट कौन लाओगे भाई, घाटाओ, तो सीधा सा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ये कितने नंबर है? 40 नंबर। तो इसने रियार ये भी सही किया इसने, और यार कौन भेजे हो पेपर, भाई साहब इंटेलिजेंट बंदा है, मानना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा पूरी पढ़ रखी है, आर्थिक समीक्षा के एक भी प्रश्न गलत नहीं है इसका। राजस्थान जीवन धारा योजना का संबंध है तो 41वें सिंचाई कुआं जीवन धारा, ठीक है हो जाएगा उत्तर, एकदम सही करिए, यो करंट को ऐसा ही दो क्यों। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चों के जन्म दर कितनी राशि दी गई थी? ये वैसे 6000 है, तो इसमें 6000 के नंबर इसका बिल्कुल, इसमें इसका राइट आंसर एक नंबर उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। एक होगा घाटा का होता है सर, घाटा का होता है भाई, एक नंबर भी मान रहे हैं कुछ और कुछ चार नंबर भी मान रहे, थोड़ा कंफ्यूज है, मैंने बता दिया था उसमें, कोई बात। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो प्रश्न तो ये भी खतरनाक है, इसमें भी अगर देखें तो 43 नंबर का उत्तर भी वही माना जाएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। वैसे किए ही नहीं लगभग ये इकोनॉमिक्स वाले को, इकोनॉमिक्स वाला ही करेगा, बाकी कौन माथा पच्ची करेगा। नीचे केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो प्रधानमंत्री स्वावलंबी, ये भी इसने सही किया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, बहुत इंटेलिजेंट हो। राजस्थान निम्न से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं निम्न संस्थाओं में सुमेलित नहीं है? अब देखो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन स्टूडेंट क्या इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इतने बड़े हैं तो कुछ भी नहीं। देखो वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है ये जापान के सहयोग से, यानी जीका जापान वाली, तो इसका ए में, इसमें ए में 4 आएगा, तो इसमें देख लो ए में 4 एक ही है, बाकी किसी में है नहीं। ये भी इसका सही है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। राजस्थान में एम सेड नीति 2021 का उद्देश्य है? 46 नंबर। तो ये वैसे तो गुरुजी एम सेड है, ये बजरी बाजरी बनाने खातिर ही है, वो राज्य निर्माण कार्य नदियों प्राप्त बजरी का उपयोग, बजरी निर्यात को बढ़ावा, राज्य यहाँ माइनिंग क्षेत्र में खानों निकालने अपशिष्ट वेस्ट को समस्या का समाधान का, अन्य राज्यों नदी बजरी, ये चार ज्यादा सही माना जा रहा है इसमें, बाकी बजरी इससे बनाने से संबंधित है, ठीक है। चार नंबर सही है इसका उत्तर। सर पेपर आ गया था, सर इसके पास पेपर आ गया था, कहीं पेपर आए ढक है, बात तो धारी भी जानी है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक लाभांश एवं बोनस शेयर, ठीक है, ओबीगो सही है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, तो ठीक है क्वेश्चन, तो ओ साइंस को क्वेश्चन है, तो अपोलो सेकंड, ओइंगो गलत हो गयो, अपोलो फर्स्ट करिए आयो टाबरियो, अपोलो सेकंड सी उत्तर। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ये तो ऊपरी क्वेश्चन ही पूछ लिया इसने, रिचर्ड फेमेन, ये देखो इसका ये भी सही है, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो थानदार बनेगा भाई, वरना कल वाला पेपर देख के तो कहना पड़ा तू कांगो थानदार बने। तो DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो क्वेश्चन यो भी शानदार है भाई साहब, ब्लेक जेफरी एवं सहयोगी, उत्तर लगाते जाना आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। भारत की योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, भारत के योजना आयोग, ये तो आप क्या हो गए सर पॉलिटिकल का, ये यू भी सही है इसका, 1 जनवरी 2015, यार बंदा कमाल है, कौन है ये टावर पूछे कौन है, वो कौन को नहीं देख लेगा, लगभग सही आ रहा है, बाद में देखा के डेढ़ पेज के ऊपर। कार्सिनोमा संबंध रखता है, कार्सिनोमा जो संबंध रखता है वो हो जाएगा त्वचा और म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर, यानी ये साइंस का क्वेश्चन है, ये बाद में सही करिया, दिए बाद में सही कौन करेड़ा यार, इनको देखो करेड़ो ही कौन बेचारा को बोलो लगा रखे। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत ऊपरी क्वेश्चन है वैसे, UNFCCC से, यानी इसका उत्तर युद्ध को उत्तरों भी सही, जलन हो जाती है कोई सही प्रश्न ज्यादा, ये देखो सब सही है इसके। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इसका गलत है, ये जोधपुर है भाई, इसका गलत हो गया ये, चलो अब दिल ने शांति मिली है, एक आधो भी गलत हो रही है। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये इसका सही है, 1983, ये तो सही लगा है। नीने से कौन सा हिम नरभक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? ये इसका गलत है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम है, ठीक है, वो एकता पर क्या कहेगा, नेताजी और रिश्तेदार होता
तो ये बंदा आपको ही पार कर गया, मानत ऐसा ही सारा घटा रहे। गुरुजान पूछे हमें तो निम्न से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है, तो इसका उत्तर भी सही है। देखो अवरक तरंगे, भारतीय प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना डिजाइन निर्माण भारत में हुआ था, ये इसका गलत हो गया यार। ये बट ये गलत, ये तो किसी का गलत नहीं है, ये बंदा गलत करके आ रहा है। राजस्थान राज्य वृक्ष ये तो चलो क्या है, खेजरी। एक निब्बल में कितनी बिट्स होती है, देखो सही है इसको। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों से एक का उपयोग करता है, तो चमगादड़ के पास परासर्वे तरंगे होती है, ये तो मुझे भी पता है, इसको तो होना ही था फिर। ओ ये तबीजी है, सबको पता है तबीजी अजमेर में, तो इसका क्यों गलत होगा, ये तो किसी का नहीं है। चलो यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तक हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित से कौन सा कथन निश्चित रूप से नहीं है, ये भी सही है इसका। निम्न प्रश्नों में एक कथन के पश्चात तीन तर्क व एक दो तीन दिए गए, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है, इस आधार पर दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर माना जा रहा है रीजनिंग के हिसाब से तीन नंबर, सिर्फ दो मजबूत है, इसने तो नहीं किया, इसने पहले ही गोल घेरा कर रखा है। कार्बन में कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है, सही कर रखा है इसने, तीन नंबर के बाद। निम्न सर्कला लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए, सही कर रखा है इसने, देखो 48 इंटेलिजेंट है ना बरियो। एक निश्चित कूट भाषा में भाई कटपटे कौन सी कोचिंग करेडी है तेरी बता तो दे, पर आपने अगर पेपर भेजिए गठन का आपको जानकार है गुरु जी, पहले पौध भेजिए आपने अगर। एक निश्चित कूट भाषा में गोल को ये लिखा जाता है, इसको ये इसको इसे मिलान कर लेना आप भैया, इसका उत्तर एकदम सही है बीपीएसटी पहला, ठीक है। चित्र दिया गया है, इस चित्र में मैं सीधा उत्तर बता देता हूं, 30 इस बंदे का एकदम सही है। निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए, एक आरएएस बनने के लिए उसे कॉलेज में स्नातक होना चाहिए, सभी प्रोफेसर गरीब है, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है, कोई कॉलेज स्नातक गरीब है? नहीं है भाई साहब, का उत्तर सही है। ये तो लगता है टॉप आएगा भैया, अब देखांगा ऊपर कीता रोल नंबर कीता हैगा। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व है, क्या? भाई साहब का उत्तर सही है, टॉप करेगा भाई ये बंदा। एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है और इसके विभिन्न व्यवसाय निम्नलिखित पार्ट को कीजिए, तो यो लो कृषि एवं व्यवसाय उत्तर इनको सही है। भाई साहब की गड़बड़ हो रही है। कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई है, ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है, नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है, लक्ष्मण यहाँ कर गए और दोनों गड़बड़े उन्होंने गलत कर दिया भाई, ओ रिश्तेदारी इन बेरो बनी यो एक नंबर, हाँ एक नंबर सही है, मैं दो सोच गयो चचेरी बहन यार ये नॉलेजेबल बंदा है, एकदम सही उत्तर है। नीले से किसे वर्ष 2021 का पद्म विभूषण विभूषित नहीं किया गया, ये इसका गलत हो गया, पासवान चाहिएगा राम विलास पासवान, ये इसका गलत हो गया भाई, ठीक है। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, यार ये बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है गुरु जी। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, तो इसमें पढ़ना है कि क्या शास्त्रीय 2007 में, तो ये इसने नहीं किया, इसने गलत कर दिया, क्यों? ये होगा केवल कथन ए सही है, इसका गलत हो गया। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है, उसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य, इसका तो के गलत करो लो मेरो ये 12,000। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया गया है, तो लागत वो गलत कर दियो यारो, इसका ये आपका आईआईटी मद्रास है, वो गलत कर दियो, यहाँ करके 5-10 तो ही जागा लो। न्यू जैसे किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की थी, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, दो श्री सी बांद्रा, तो बांद्रा बेंद्रे में कहीं कंफ्यूज हो रहा है छोरो, वो देखो सही करिए कई बेंद्रे भी कर रहा है क्योंकि नाम दोनों एक जैसा सा ही है, और ये बंदा देखो आप अगर शुरू में रोल नंबर थोड़ी लिखेड़ा है नाम लिखेड़ा है रोल नंबर तो कौन ही है जा? कौन सी फंक्स ब्लैक फंक्स रोग का कारण है, सही उत्तर है, कर लियो बात। संगठन जिसने युवा कोविड 19 की रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों शिक्षा इत्यादि कोविड 19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, ये इसने गलत कर दिया, इसका आईएलओ होगा, ये गलत हो गया, आईएलओ होगा।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान ने कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसका भी नहीं हुआ। देखो काट के करियो चार नंबर, चार खिलाड़ी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करंट के गुरुजी बता देते हैं इसे। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान में कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों के शीर्ष स्थान पर रहा, सबसे टॉप पे कौन रहा? ये गलत कैसे करके आ गया है, ये तो ऊपरी क्वेश्चन है एकदम, ये कैसे गलत कर दिया इसने। श्री नारायण राणे कि जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय के कार्यभार दिया गया, जहां एमएसएमई का क्या तात्पर्य है, तो ये इसने गलत कर दिया, इसका दो नंबर होगा, इसने गलत कर दिया। नाना करता 10-15 आगे, वो आगे बठी बैठ जैसी 60-65 है क्यों। कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो इसका उत्तर भी इसने गलत कर दिया, इसका करंट बहुत कमजोर है। किससे पड़ता था करंट है? बहुत कमजोर है तेरा, मेरे लिदिरिया सार्स कोव 2 के प्रोटीन अनुवंशिक पदार्थ, यानी इसका उत्तर एक होगा। ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश था, तो ये इसने सही कर दिया, भारत है। वर्ष 2021 की फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता था, तो ये इसने गलत कर दिया, इसका करंट कमजोर है, बाकी सारा अच्छा है, इसका करंट मरवा देता है भैया। 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो करंट को अच्छे से पढ़ो यार। नोवाक जोकोविच, ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम तलवारबाज कौन थी, ये इसने सही कर दिया, भवानी देवी। हाँ वो भवानी भी, हाँ सोचिए तो कमाल, तो ही नाको लगा दिए। 30 जनवरी 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है, तो ये इसने नहीं किया, कोविड-19 का उपचार और हीमोडायलिसिस, ठीक है। दादू पंत, ये इजी क्वेश्चन है, ये मत कहना मारे सरांग क्राइड सगड़ा क्राइड, ऐसा क्वेश्चन है जरा सगड़ा ना हो, ठीक है। बिजोलिया भाई जी सगड़ा ना हो, सारा नकावे हो और कोई क्वेश्चन को नहीं है, या कोई मेरिट कौन बने। बिजोलिया विजय सिंह पथिक। स्वराज्य शब्द ये सरस्वती जी का है, किसी का गलत नहीं होगा। गिंदड़ नरते किस क्षेत्र में चलता है, तो इसमें इसका गलत हो गया यार, गिंदड़ तो मार शेखावाटी को फेमस है यार, तुम वो प्रश्न गलत किया कर गया आज है, ये शेखावाटी। देलवाड़ा ये विमल शाह सही है, ये इजी क्वेश्चन है। कानड़दे प्रबंध पद्मनाम ने लिखा, ये भी कोई ज्यादा टप में नहीं आएगा। 84 खंभा तो बहुत इजी है, बार बार आवासी 84 तो बार बार पूछी जाए। बूंदी कौन सा दुर्ग, जल दुर्ग, वो तो आज को नहीं हजारों बार आ गया प्रश्न, आ गया घिस गया प्रश्न, तो गागरोन दुर्ग, ठीक है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, देखो इसने ये क्वेश्चन भी सही किया, रानी नाथावती। और ये क्वेश्चन आप 8000 लाइव हो, झूठ मत बोलना, ईमानदारी एक छात्र हो, क्या किसी कोचिंग में करवाया गया है आज तक, क्या किसी अध्यापक ने इस क्वेश्चन को करवाया है क्या? ईमानदारी से, नाम किसी के फैन हो नाम मत लेना, ईमानदारी से बताओ क्या ये क्वेश्चन किसी ने करवाया है क्या आज तक? ये करके तो आया है, बताओ देखते हैं, ईमानदारी से किसी का नाम ना ले लियो फेमस करण खातर, बताओ बताओ, करवाए भी आएंगे वो सबके करवाए हुए आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो भाई साहब किसी के करवाए हुए नहीं आएंगे, यही बात बोल रहा हूं। सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होगा, यही बात बोल रहा हूं, इस बात को समझ जाओ कि सिलेक्शन नहीं आएगा, किसी का करवाया हुआ नहीं है, किसी का करवाया हुआ नहीं मिलेगा, तभी बोल रहा हूं खुद पढ़ लो, खुद पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। किसी का नहीं है तो हो ही नहीं सकता, बता दिया ना, जो करवाए में आएंगे वो सबके करवाए में आएंगे, और जो नहीं आएगा भाई साहब वो किसी का करवाया नहीं आएगा, तभी बोल रहा हूं ढंग से एक किताब रट लो, एक किताब से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया है ना तो वो किसी के बाप को नहीं है, तभी बोल रहा हूं एक किताब भी सिलेक्शन के लिए आपका आधार है, किसी के फैन हो के मत लिखो, अगर इतना है तो नोट्स भेज दो कि ये देखो इस नोट्स में यहां लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का नहीं करवाया मिलेगा, कहां मिलेगा, जो क्वेश्चन गूगल के पास नहीं है वो क्वेश्चन टीचर्स के पास मिलेगा, असंभव, तो मुझे भी नहीं पता भैया, सीधी सी बात ही है, कोई शर्म वाली बात नहीं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। ये तिवारा जो है करवाया हुआ, तो ये भी शायद मुझे नहीं लगता किसी का करवाया मिलेगा, लेकिन इसने सही किया, ये त्योहार से संबंधित है तिवारा, अगर कोई नाको भी लगाए कोई तुक्को भी लगाना चाहिए। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है, तो सिहाड़ में मूर्तियां स्थापित की थी, ये लाइन तो कई बार दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिहाड़ हो जाएगा, यानी नाथद्वारा। तो टावरों देखो अब बात करते हैं हम कि इसमें आपका क्या रहेगा, पहली बात तो ये कि जिनका कल और परसों पेपर है वो इकोनॉमिक को देख लेना, थोड़े से करंट को देख लेना, दो दिन में यही देख लेना, बाकी बैग से कोई औचित्य नहीं है,
क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आएगा, अब नए पढ़ने से कोई औचित्य नहीं, यानी करंट देखना है आपको। हिंदी के लिए आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण और ये शब्द सबसे ज्यादा देखने, मैंने पहले भी बोला था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन आपको पीछे की ओर धकेल देंगे। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा आपका, ये बात कई बार मैंने बोली है। तत्सम तद्भव का वीडियो आज डाल दिया जाएगा, सबसे ज्यादा तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आए तो आज आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, 8 या 9 बजे डाल देंगे, एक बार उस वीडियो को भी आप देख लेना। और बात यह कि हिंदी में अगर काट छांट के आपके 70, 65, 70 अगर बच रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर हो। ये थोड़ा इजी था, यानी 100 में से आपको 80 के लमसम इसमें बचने चाहिए, 80-75, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टफ नहीं था। तो जिसके 70% वो मेरिट यही रहनी है, 70-75 मेरिट रहनी है, हर बार यही रहती है मेरिट, तो इसके लमसम जो है वो थोड़ी सी अपनी तैयारी शुरू कर दे। अब ये मत करना पुलिस वाले बच्चों में ज्यादा ज्ञान नहीं होता, पिछली बार पुलिस की मैंने मेरिट बताई तो पता है कुछ लोगों के बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कमेंट आए, आपने हमें भगाकर हमारे जूते तुड़वा दिए। फिर बावड़ा दौड़ कर ली तो क्या गलत काम कर लियो, आगे जिडीम काम आओगे। मेरिट का कोई कंफर्मेशन थोड़ी होता है, लमसम मेरिट बताई जाती है, आपने हमें भगा के हमारे हार्ड तुड़वा दिए। कोई फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती, क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। आप एक लेवल पे, रीट वाले ऐसा कभी नहीं करते, एसआई वालों का एक लेवल होता है, ऐसी हरकतें जो है ना वो जब आदमी बुद्धि का विकास नहीं होता, बोलो को हमारा जूता तुड़वा दिया थे, अच्छा तुड़वाए रे बेटिया बाप, बेटे फिजिकली तैयारी करिए कहीं और काम आएगी। दूसरी बात, मेरिट लमसम बताई जाती है, जो हमने बताई उससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन हुआ था और उससे ऊपर वालों का भी नहीं हुआ, तो मेरिट जो 70-75 के लमसम काट छांट के जिसके बच रहे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर लीक की सूचना ऐसी आती रहती है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आगे की तैयारी भी साथ में जारी रखें, ठीक है? ओके, थैंक यू। और हिंदी की डाल दी गई है टेलीग्राम पे, आप वहां से